सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल AMU एंट्रेंस क्रैकर। जैसे कि आपने थंबनेल देखकर ही अंदाज़ा लगा ली होगा कि क्लास 11 BSc BCOM BA BEd MBA और BTEC के जो एंट्रेंस डेट थी AMU की वो रिलीज़ हो चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज़ की डेट यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। तो चलिए स्टूडेंट डेट देखते हैं क्या क्या डेट रखी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं BSc की। तो BSc को जो रखी गई है 8 जून रखी गई है, ये 2 आवर्स का होता है और 10 बजे से होगा सुबह। फिर BSc BEd की देखें तो वो भी 8 जून रखी गई है, पेपर 1 2 आवर्स का होगा, कॉमन रहेगा विद BSc वंस, ये भी 10 बजे होगा। BCOM की भी डेट जो है वो 8 जून रखी गई है। BA की भी जो डेट है वो भी 8 जून रखी गई है, दोनों 2-2 घंटे के होंगे, लेकिन BCOM का जो होगा वो 10 बजे होगा और BA का जो होगा वो 3 बजे होगा दोपहर। और BEd की जो रखी गई है वो भी 8 जून रखी गई है। मैं अगर बात करें MBA, MSW, MBA, CAT, MBA एग्री बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MTTM, MSW, MIRM, MHRM की जो डेट रखी गई है वो भी 8 जून रखी गई है। और MBA की भी जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो MBA होता है वो भी 8 जून ही रखी गई है, वो 3 बजे से होगा। पेपर 2 जो होगा वो 5:15 बजे होगा। और 11th की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11th और डिप्लोमा इंजीनियर की जो डेट रखी गई है वो 9 जून रखी गई है, 2 घंटे का होगा, 10 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। वहीं ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स की बात करें तो ये भी 9 जून रखी गई है कि 2 घंटे का होगा या 3 बजे होता है, ठीक है, ये नोट कर लें आप। 11th की डिप्लोमा इंजीनियरिंग और कॉमर्स की जो डेट है वो 9 जून है। वहीं अगर BTEC और BR के देखें तो वो 10 जून रखी गई है, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 10 AM सुबह हो, 10 बजे से होगा। वहीं अगर BA LLB की बात करें वो भी 10 जून रखी गई है, 2 आवर्स का है, ये 4 बजे होगा शाम को। और BEd की जो रखी गई है वो 10 जून रखी गई है, ये भी 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा और ये भी शाम को 4 बजे होगा। तो आप देख सकते हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के यहाँ पर सिग्नेचर भी हैं, तो ये 28 तारीख को ये आपका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लास 11th की है और BA BTEC BCOM BSc ये सब डेट्स यार दे रखी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।